इसमें आपको गिवन है कि 7 sin² थीटा 3 cos² थीटा इक्वल टू 4, ये गिवन है और कह रहा है हमें 10 थीटा की वैल्यू निकालो, 10 थीटा की इसकी वैल्यू कह रहा है निकालने। तो एक चीज तो समझ में आई गई आप लोगों को कि एक ही हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। अरे है क्या, बोलो। यस सर। तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जो पॉसिबिलिटीज है उसे हम बेस्ट यूज कर लेंगे जो गिवन है। तो यहाँ गिवन में ये दिख रहा है यहाँ पे कि इसका तो कम से कम कुछ ना कुछ हो सकता है। ये क्या यहाँ गलत लिखा है क्या, देखना जल्दी सर। ठीक है, 3 cos² थीटा। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को बदल सकते हैं, लेकिन अगर साइन को बदला तो कॉस में आ जाएगा। तो कॉस में आते ही ये दोनों सिमिलर जैसा दिखने लगेंगे, बिहेव करने लगेंगे। अरे क्लियर है क्या? यस सर। या कॉस को बदल दिया तो साइन जैसा बिहेव करने लगेगा, तो किसी को बदल दो, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा आइडेंटिटी से। नहीं हाँ जी yes, तो क्या sir. आ जाएगा आपका, 7 sin² थीटा को क्या लिखेंगे, 1 - cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा एज इट इज लिख दो आप अभी, और इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों को नहीं बदलना है सेम यूनिट में लाने के लिए। ये कितना हो जाएगा, इससे अगर सॉल्व करो तो ये 7 आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होकर -7 cos² थीटा दोनों से होगा प्लस 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। अरे क्लियर है क्या? यस सर। चलो 7 cos² - 3 तो -4 cos² थीटा बचेगा इधर। हाँ जी यस सर। -4 और ये 7 उधर चला जाएगा, तो 4 ये 7 इधर जाके -7, तो -3 आएगा। हाँ जी यस सर। तो -4 cos² थीटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 3/4। अरे आया, yes, हमें sir. निकालना कह रहा है 10 थीटा निकालने को कह रहा है, तो 10 थीटा कैसे निकालेंगे, कहाँ मामला टिका, 10 थीटा कह रहा है और हमारे पास कुछ गलत भी किया है। इसको रोक देता हूँ एक मिनट, देख रहे हो आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा 3/4, तो अभी हमें पता है यहाँ से साइन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 - cos² थीटा 1 - cos कितना है आपका, 3/4, सॉरी इसकी तो टोटल वैल्यू है 3/4। अरे है क्या, बोलो। yes, रहा yes, है? मिट रहा है पूरा। चलो 3/4 ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, ये 3/4 यहाँ से ये पुट कर दिया हमने, तो कितना आएगा ये सॉल्व होके बताओ, 4 LCM 4 - 3 तो कितना आ गया, 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा जो आ गया वो आ गया 1/4। अरे आ गया, बोलो। यस सर। तो हमें कह रहा है 10 थीटा, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, साइन कॉस दोनों निकाल लेते हैं। देखो इधर अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, हाँ 3/4, तो अगर आप इधर से रूट हटाएंगे तो उधर हो जाएगा अंडर रूट। अरे होता है क्या? यस सर। अंडर रूट 3 ऊपर तो वैसे ही रह जाएगा, और मतलब दोनों पे रूट लग जाता है ये तो पता है आपको, क्योंकि रूट दोनों पे है, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा √4। अरे आ जाएगा। यस सर। तो ये आपका √3/2 हो गया आपका कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा कितना आया था, साइन स्क्वायर थीटा आया था आपका 1/4, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, 1/4। तो साइन थीटा इधर √1/4, अंडर रूट का तो √1 1 रह जाएगा, √4 2 हो जाएगा, तो साइन थीटा भी आ गया। अब टेन निकल जाएगा आराम से, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस। अरे होता है, नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन कितना है, साइन थीटा आपका है 1/2 साइन की वैल्यू, और कॉस थीटा कितना आया है, √3/2। जब 4 बार अपॉन होता है तो आपको कैलकुलेशन पता है, पहला तो एज इट इज, दूसरा रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ गया 1/√3। ऑप्शन है कोई? यस सर है। कभी कभी बोल देगा, कभी कभी बोल देगा थीटा की वैल्यू बताओ 10 में, तो वो आपको पता है कितने का वैल्यू होता है, 30 डिग्री, 10 30 होता है 1/√3। नहीं ठीक है,
मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या बोर्ड, देख लो एक बार, लाइट तो है लेकिन। चलिए हाँ जी ठीक है बच्चे, अब रहने दो। अर्पिता आपका आइडिया तो लग ही गया, आप कर लेना आप मेरे ख्याल से sir, और okay. आइडिया लग गया है ना मेरे ख्याल से। नहीं एक और क्वेश्चन है, एक दो, चलो ये sir, अगली अभी क्लास थ्री में करा क्वेश्चंस दूंगा। हैं। हाँ थ्री है, अगली क्लास में करें अब।